करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 39। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पूर्णांक पढ़ेंगे और पूर्णांकों का विभाजन पढ़ेंगे, ठीक है, कि इनको आज हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। हमने गुणा तो पढ़ लिया था, आज हम विभाजन पढ़ेंगे कि इसको अगर हमें डिवाइड करना है, भाग करना है, तो हम कैसे करें। तो देखिए ये आपके पूरक है, तो देखिए आपके प्लस माइनस सब तरह से हो सकते हैं। इसके अलावा पूरकों के सक्रम विभाजन की अगर हम बात करें तो सेम वो ऐसे ही होता है जैसे कि आप गुणांक का उल्टा कर दें, यानी जो हमने गुणा करा उसी का ही उल्टा जो रूल होता है वही आपका डिवाइड होता है ना। जैसे कि अब आप यहाँ देखिए, ये गुणन कथन आपको बताया गया कि अगर हम 2 × −6 करते हैं तो हमारा आंसर −12 आता है। क्यों? 2 × 6 = 12 हो जाएगा और माइनस का माइनस रहेगा, ठीक। अब अगर आप यहाँ इस 12 को इस तरफ रखें या 6 से मल्टी डिवाइड दे या 2 से डिवाइड दे, ठीक है, तो आंसर सिचुएशन पूरी यही बचेगी। अगर मान लीजिए हमने 6 से डिवाइड दिया तो 2 आंसर आएगा, अगर हमने 2 से डिवाइड दिया तो हमारा आंसर 6 आएगा, है ना। इसी तरह से अगर हम 8 को 9 से करते हैं तो 8 × 9 = 72 होगा, दोनों माइनस के इसलिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 72 आपका प्लस का आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ अगर डिवाइड करते हैं 72 को −9 से तो −8 बचेगा, और अगर हम −8 से करते हैं तो −9 बचेगा। आ रही है ना बात समझ में? तो इस तरह से ही आपको करना है। अब यहाँ देखिए 4 × 3 लिखा है, तो 4 × 3 जो कितना होता है 12, तो हमने 12 लिख दिया। अब इसी तरह से अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा। आ रही है ना बात समझ में? तो इस तरह से ये आपको बताया गया। अब यहाँ आपको व्यापक रूप कुछ बताए गए हैं कि देखिए जैसे कि अब आपका 2 धनात्मक पूरक हो सकते हैं, यानी एक प्लस भी हो सकता है और एक माइनस भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगर कोई दोनों ऋणात्मक होते हैं यानी दोनों माइनस में होते हैं तो क्या होगा आपका कि जो ए बी है वो आपके प्लस में आएंगे लेकिन बी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। या अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ए जो है वो ए इज इक्वल टू नॉट 0, यानी ए जो है 0 के बराबर नहीं है, ए डिवाइडेड बाई 1 है, तो आंसर ए आएगा, है ना। और अगर ए डिवाइडेड बाई 0 होगा तो परिभाषित नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका वो इन्फिनिटी वाला हो जाएगा, ठीक है ना, कि नॉट डिफाइन। और इसके बाद अगर 0 को ए से डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 आएगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए, अगर −8 को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो −8 आता है, या 11 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 11 आता है, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे आपको देखिए पूर्णकों के लिए भाग क्रम विनियम नहीं है, यहाँ पे उदाहरण आपको दिया गया है। इस तरह से भी हम इसे कर सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए किसी पूरक को −1 से अगर हम भाग देते हैं तो वही पूरक नहीं मिलता। तो देखिए यहाँ उदाहरण भी आपको दिया गया है कि अगर हम किसी पूरक को माइनस से डिवाइड देंगे तो वो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस में आंसर आएगा। इसी तरह से लिखा है पूरकों के लिए भाग सहचर्य नहीं है, तो यहाँ आपको ये भी दिखाया गया। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको दिया गया है, आओ अभ्यास करें, ऊपर दिए गए समीकरणों के आधार पर उत्तर दीजिए। अब आपको यहाँ पे ए आधारित, बी आधारित और सी आधारित के अकॉर्डिंग आपको सारे आंसर देने हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं फटाफट। अगर हम ए सेट की बात करें तो −30 और डिवाइडेड बाय 10 था तो −3 आंसर आ जाएगा, है ना। −50 / −5 है तो यहाँ पे −10 आ जाएगा। यहाँ 75 / 75 है तो यहाँ −1 आएगा, ठीक है। इसी तरह से 24 / −6 है तो यहाँ −4 आएगा, है ना। इस तरह से ये आप कर सकते हैं, आसानी से, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। इसी तरह से अगर हम सेट बी की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपका सेट बी भी इसी तरह से दिया गया है। यहाँ 36 / 9 है तो देखिए इससे ये माइनस से माइनस कट जाएंगे सारे इसमें, ठीक है। तो इसमें जो भी आंसर आने वाले हैं वो सारे आपके प्लस में आने वाले हैं, ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस से जो है वो माइनस कट जाता है। अगर हम इसी तरह से आगे बात करें आपके सी की, तो इसमें आपको दोनों मिक्सअप दिए गए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए यहाँ लिखा है −81/1, तो यहाँ −81 ही आएगा। यहाँ आपका लिखा है −369 - 1, तो −369 आ जाएगा। 13 को करेंगे तो यहाँ पे माइनस में आएगा। अगर 0 से हम किसी को डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है, लेकिन अगर हम किसी डिजिट को 0 से करेंगे तो आंसर नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपका आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, 5 ऐसे पूरक युग्म बनाइए जिसमें ए बी को लिखना है, ठीक है। और अगर हम उसको लिखेंगे इक्वेशन, आपको ए डिवाइडेड बाय बी करनी है और आंसर −3 आना चाहिए। तो ऐसे ही आपको, जैसे आप मान लीजिए एक एग्जांपल आपको दिया गया है कि अगर हम 6 को −2 रखते हैं, 6 और −2 रखते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे तो −3 आंसर आएगा। तो अब हमें इसी तरह से 6 और 2 की जगह पर अलग अलग डिजिट रखनी है, क्या उसे हम सॉल्व करें तो आंसर −3 आना चाहिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं।
आपको इसको ऐसा लिखना है कि ए और बी को करने के बाद जब हम इसे सॉल्व करें तो -3 आंसर आए, ठीक है। तो जिस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जांपल के तौर पे दिया गया कि अगर हम 6 में से -2 को डिवाइड करते हैं तो -3 आता है, इसी तरह से आपको सारे करने हैं। तो अब हम 12 में से अगर -4 को डिवाइड करेंगे तो आपका -3 आएगा, इसी तरह से 24 में से अगर हम -8 को करेंगे तो भी -3 आएगा, इसी तरह से अगर हम 48 में से -16 को करेंगे तो भी -3 आएगा, है ना। तो इस तरह से आपको 5 लिखने हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी आप अगर कोई और लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, बस क्या है कि जो आप इक्वेशन सॉल्व करें उसका आंसर -3 आना चाहिए, ठीक। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, आज की वर्कशीट में बस इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।